आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से महाराणा प्रताप भवन में निशुल्क विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर द्वारा जादुई शो का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त नेहा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा हरियाणा प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर हरिंदर पाल राणा भी मौजूद रहे। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 जुलाई से 9 जुलाई तक महाराणा प्रताप भवन में विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर द्वारा जादू का शो का आयोजन किया जाएगा। जादूगर सम्राट शंकर ने अपने जादू के माध्यम से सोशल मैसेज दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में बेटियों का अहम योगदान है। कन्या भ्रूण हत्या करना अपराध है। बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। बेटियां हर क्षेत्र में अब आगे आ रही हैं। जादू के माध्यम से उन्होंने जल संरक्षण का संदेश दिया कि जल को बचाओ, अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जादू का शो एक मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज देने का एक प्रभावी तरीका है। स्कूली बच्चों को जादू का शो दिखाकर सोशल मैसेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जादू एक कला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस कला के जरिए समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना जरूरी है। उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर के जादू के शो देखने के लिए अवश्य आए। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज से लेकर 4 दिन तक यहाँ जादूगर सम्राट जी का शो रहेगा और आपने देखा कि जादू के माध्यम से उन्होंने कितने अच्छे अच्छे सोशल मैसेज दिए। उन्होंने बताया कि जैसे एक लड़की को गायब करके बताया कि अगर ऐसी ही लड़कियाँ गायब होती रहें तो हमारा आगे जो है हमारे देश का हमारे हरियाणा राज्य का भविष्य अच्छा नहीं। उन्होंने दिया कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा कि कैसे पानी का एक जादू दिखा करके उन्होंने पानी का मैसेज दिया कि हमारे राज्य में और हमारे पलवल पानी की कमी है तो आप पानी बचाएं। ऐसे ही साथ साथ उन्होंने जादू के साथ साथ लोगों के यहाँ पे कई मैसेजेस दिए हैं। अगर आप ऑडियंस में देखेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो ये यहाँ से ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया है बल्कि उनके लिए एक सोशल मैसेज है, हमारे ज़िले के लिए एक मैसेज है। तो मैं मानती हूँ, मैं ये अनुरोध करूँगी सभी से कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और साथ ही साथ जादूगर सम्राट जी का धन्यवाद भी व्यक्त करूँगी कि वो 4 दिन यहाँ पर आए हमारे ज़िले में रूटीन करेंगे। लोगों को एक आर्ट दिखाकर जो कि बहुत कम लोगों के पास है, एक एंटरटेनमेंट दिखा करके साथ ही साथ बहुत सारे वो हमारे ज़िले के लिए मैसेजेस भी देंगे।